नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, इस मोहलत से फायदा उठाइए। कॉलम निगार हैं हामिद मीर और आवाज है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org साल 2020 को आइंदा कई सदियों तक याद रखा जाएगा। दुनिया की ताकतवर तरीन अकवाम मच्छर से भी बहुत छोटे और नजर ना आने वाले एक वायरस के सामने बेबस हो गई। कोरोना वायरस से लाखों इंसान लुकमाए अजल बन गए। दुनिया के बड़े बड़े शहर बंद हो गए। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए अपनी इबादत गाहों में जाना मुश्किल हो गया। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को जुबान, रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक मिटाकर मुत्तहिद होने की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स बंद कर दिए। भारत के हुक्मरान बीजेपी के हामियों ने कोरोना वायरस का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान में ये बहस शुरू करा दी गई कि ये वबा मीडिया के झूठ की वजह से फैली है या औरतों की बेहयाई से। बेहयाई का ताल्लुक सिर्फ औरतों के साथ नहीं है। कुरान मजीद की सूरह इनाम में कहा गया है, और बेहयाओं के पास भी ना जाओ ख्वाह वो ऐलानिया हो और ख्वाह पोशीदा। गौर ये करना था कि ज़्यादा बेहयाई गैर मुस्लिम माशरों में थी, लेकिन कोरोना वायरस ने गैर मुस्लिम माशरों के साथ साथ मुसलमानों को अपनी लपेट में क्यों लिया? कहीं मुसलमान और गैर मुस्लिमों में फ़र्क ख़त्म तो नहीं हो गया? वो तकब्बुर जो ट्रंप ने दिखाया, वो गुरूर जो नरेंद्र मोदी ने दिखाया, कहीं वो गुरूर हमारे ताकतवर लोगों में तो नहीं घुस चुका? अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए। कुरान मजीद में बार बार कहा गया है कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। ज़ोम तकवा भी तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है। सूरह नजम में कहा गया है कि और अपने मुतालिक पाकबाजी का दावा मत करो, वो अल्लाह खूब जानता है कि कौन पाकबाज है। सूरह अल माऊन में कहा गया है कि 100 खराबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़ते तो हैं मगर अपनी नमाज से बेखबर रहते हैं और जो रियाकारी करते हैं। सूरह अल कलम में कहा गया है, आप ऐसे शख्स का कहा ना मानिएगा जो बड़ा कस्में खाने वाला हो। मैं एक आम सा मुसलमान हूँ। मुझे एतराफ़ है कि मैं सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में बाकायदगी के साथ कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन 2020 के रमज़ानुल मुबारक में कुरान के मुताले के दौरान मैं बार बार कुछ अल्फाज पर रुक गया और गौर व फिक्र करने लगा। सूरह बकरा में कहा गया है, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़े करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। आप भी इन अल्फाज पर गौर कीजिए। कोरोना वायरस तो मच्छर से भी ज़्यादा छोटी चीज़ है जो हमें ये बता रही है कि इंसान की ताकत महज एक धोखा है, असल ताकत अल्लाह ही के पास है। सूरह बकरा में आगे चलकर कहा गया है, हक तो ये है कि जो लोग भी ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या साबी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक काम करेंगे, वो अल्लाह के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के आसान तर्जुमा कुरान में बयान करदा तशरी के मुताबिक अरब में यहूदियों और नसरानियों के अलावा कुछ सितारा परस्त लोग रहते थे जिनको साबी कहा जाता था, और इस आयत में उनका भी जिक्र किया गया है। कुरान पाक हिदायत है। ये हिदायत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, गैर मुस्लिम भी हिदायत हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें झूठ, बेहयाई, तकब्बुर और मुनाफ़क़त से दूर रहने के अलावा ये सबक भी देती है कि हमेशा हक़ व इंसाफ़ का साथ दो। सूरह ज़ुमर में कहा गया है, बेशक अल्लाह उसे राह पर नहीं लाता जो झूठा और नाशुकरा हो। सूरह रात के ये अल्फाज इंतहाई काबिल गौर हैं। बिलाशुबा अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। ज़रा सोचिए, हम अपनी हालत बदलने के लिए कितने संजीदा हैं? क्या हम रमज़ानुल मुबारक में झूठ, रयाकारी और नाइंसाफ़ी से परहेज़ करते हैं? इस रमज़ान में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोरोना वायरस ने कुछ लोगों को अल्लाह के करीब कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रमज़ान में भी गालम गलोच और बोहतान तराशी कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि सिर्फ दूसरों ने मरना है, उन्होंने नहीं मरना। हमें शुक्र करना चाहिए कि किताब हिदायत हर मुसलमान के घर पर मौजूद है।
अगर हम इस किताब से हिदायत हासिल करने की थोड़ी सी कोशिश करें तो हमें बहुत ज़्यादा हिदायत मिल सकती है। सूरह इब्राहिम में कहा गया है, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले में नाशुक्री की और अपनी कौम को तबाही के घर में डाला जो दोजख़ है। सूरह नहल में कहा गया, और अगर अल्लाह इंसानों की इन बेइंसाफियों पर गिरफ्त करे तो ज़मीन पर किसी भी जानदार को ना छोड़े, लेकिन वो इन्हें मोहलत देता है एक मुअय्यना मुद्दत के लिए। फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो वो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। फिर से सोचिए कि हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कितनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जब 2019 में नरेंद्र मोदी के हुक्म पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों का लॉकडाउन किया गया तो कितने मुसलमान हुक्मरान इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हुए। इस नाइंसाफ़ी पर खामोश रहने वाली तमाम ताकतवर अकवाम 2020 में ख़ुद लॉकडाउन का मज़ा चख रही हैं। कुछ मुसलमान हुक्मरानों ने कश्मीरियों के लिए नुमाइशी तकरीरें ज़रूर की, लेकिन अमली तौर पर कुछ ना किया, बल्कि फ़लस्तीनियों को यरगमाल बनाने वालों के साथ खुफिया राहो रस्म बढ़ाते रहे। आज ये सब मुसलमान हुक्मरान कोरोना के सामने बेबस हैं, लिहाजा झूठ और बेहयाई से बचना वाकई ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी ज़रूरी है। दुनियादारी के लिए कभी कभी हिकमत और मसलहत पसंदी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन कुरान पाक में दुनिया का लफ्ज़ 115 दफ़ा आया तो आखिरत का जिक्र भी 115 मरतबा है। ज़िंदगी का जिक्र 145 मरतबा और मौत का जिक्र भी 145 मरतबा है। शैतान का जिक्र 88 मरतबा है तो फरिश्तों का जिक्र भी 88 मरतबा है। कुफर का जिक्र 25 मरतबा है तो ईमान का जिक्र भी 25 मरतबा है। फहाशी और बदकारी का जिक्र 24 मरतबा है तो उसके साथ साथ अल्लाह के गज़ब का जिक्र भी 24 मरतबा है। मुसीबत का जिक्र 75 मरतबा है तो शुक्र का जिक्र भी 75 मरतबा आया है। हमें शुक्र करना चाहिए कि 2020 के रमज़ान मुबारक में हम अभी ज़िंदा हैं, कुछ मोहलत अभी बाकी है। इस मोहलत को इस्तेमाल करते हुए अपने आमाल को ठीक कर लें और खौफ खुदा पैदा कर लें तो शायद कुछ हिदायत मिल जाए। हिदायत का असल सर चश्मा कुरान मजीद है, जो एक मौजज़ा है। इसे पढ़िए और फ़ायदा उठाइए। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।